नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गांव खरक कला की पंचायत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। गांव में नहीं खुलने दिया जाएगा शराब का ठेका। आज गांव खरक कला की पंचायत ने ग्राम सभा की एक बैठक करके ये एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें गांव में कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। इस प्रस्ताव की प्रति हरियाणा सरकार को भी भेज दी गई तथा आगामी स्तर पर शराब का ठेका नहीं खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है ताकि गांव के अंदर भाईचारा भी बना रहे। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हमारे गांव में एक तो नए बच्चे जो उभरते बच्चे हैं वो इस सामाजिक कुरीति से ना मतलब इससे दूर रहेंगे हैं, अच्छा सहयोग रहेगा क्योंकि हमारी माताएं बहनें हैं बड़ी लाचार हैं क्योंकि उनके पति शराब पी के हंगामा करते हैं। समय पर बच्चों के ना तो स्कूल की फीस दी जाती है ना बच्चों के लिए खाना वहन कर सकती। और हमारे ग्राम सभा में हमें प्रस्ताव पास करके हमारे मंत्री जी राजस्व विभाग के साझा सरकार के अनूप राजली वाले दानक जी को मैंने प्रस्ताव दे दिया है ग्राम सभा से पास करके ताकि हमारे गांव में ये गांव खरक कला में कहीं भी ना तो कोई ब्रांच हो ना शराब का ठेका हो। हम फुल जोर से ग्राम वासियों के सहयोग से भी हम समर्थन तय दिल से करते हैं और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का माननीय हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी का हम तय दिल से और माननीय हमारी नेत्री जी नैना चौटाला जी का ये प्रस्ताव पास किया हुआ था भाई हम बनने के बाद भाई ये हमने भाई शराब के ठेके गांव में नहीं रहने देंगे। और क्या ना इसी आवाज़ में हमने हमने शुरू से ही मेरा गठन हुआ था मेरी पंचायत का 2016 में मेरे क्या पंचों का अच्छा सहयोग रहा है और ग्रामवासियों का भी भाई शराब का ठेका बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे हम। हमारी सीमा क्षेत्र लगती है जी गवर्नमेंट स्कूल है बॉयज़ का गर्ल लड़कियों का भी प्राइमरी स्कूल भी है बस स्टैंड भी है वहाँ पी के नंगे हो जाते हैं ये लोग शराब पी के। इसका हमने पहले भी मतलब दिया था आज से 2 साल पहले आबकारी विभाग में हम गए थे तारीख लगी थी हमारी अच्छा शो का वहाँ पर मैडम उस टाइम भी हमारा मतलब भाई शराब का ठेका नहीं रहा और आगे भी हम ये चाहते भाई हमारे गाँव में शराब के ठेके हर दिशा में कहीं किसी दिशा में भी नहीं होना चाहिए।